बोली में जिसके गायक देवन सिंह भी कमरसिया दिशावर उत्तर प्रदेश से ढोलक पर संगति कर रहे भाई मानू खेड़ा हाजीपुर खंडौली उत्तर प्रदेश से और ये लाइव प्रोग्राम आपके बीच में पहुंचाया जा रहा है। जाने पहचाने पंडित रोहतास डीजे साम जनुथर राजस्थान से और कैमरा में जो छाया चित्रण कर रहे भाई प्रीत शर्मा जनुथर राजस्थान से आइए से हमारी भवानी दो मिनट की उसके बाद सुनाएंगे झिकड़ी और किस तरीके से गाया बॉम्बे वालों ने हम बने तुम बने एक दूजे के लिए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए और चार साहब लेकिन हमारी बात क्या है राधा के श्याम जी पुजारी क्यों बने अरे राधा के श्याम जी पुजारी क्यों बने यही से मेरी कंपटीशन भवानी अरे राधा के श्याम जी पुजारी क्यों बने अरे राधा के निवासी दे रहे हैं जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे पूछना है कि राधा के श्याम जी पुजारी क्यों बने थे वो धनुषधारी तो चक्करधारी क्यों बने और कहना रति पुजारन राम की सिया पूजा रति पुजारन काम की सिया पुजारन आजा
वहीं पर लगाएंगे जहां पर मैंने कल अपना भजन छोड़ा था। आहा, हिडंबी उस घने जंगल में पहुंच गई, भीमसेन को देखा मोहित हो जाती है, सुंदर श्रृंगार कर रही है। लेकिन जब भीमसेन ने हिडंबी को देखा, पूछा तू कौन है, कहां से आई है? लेकिन रसिया जी, हिडंबी ने कहा यहां से थोड़ी दूर पर मेरा भाई हिडंबा है, उसने तुम्हारा मांस मंगाया है, मैं तुमको मारने के लिए आई हूं, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। बेटा बोलू क्या कहा? क्या कहा बेटे? क्या जीना हो तो शादी कर, जीना हो तो शादी कर, नहीं भैया मेरो आ जाएगा। अरे एक नप्पे सब पड़ेगी तिहारी सबको जिंदो आ जाएगा। क्या खामा खाम मरेगो भीमा, क्या खामा खाम मरेगो भीमा, और तू बात मान ले मेरी और चौपुत्ती सड़ गई तेरी। और ये 10 रुपए का आशीर्वाद इधर से हमारे चाचा जी दे रहे हैं। आहा, ये 10 रुपए का पुरस्कार इधर से। जब इस तरीके से कहा, उधर में वो हिडंबा सोच रहा है मेरी बहन को बहुत देर हो गई, क्या बात है आई नहीं। लेकिन रसिया जी, आज वो हिडंबा जहां पर हिडंबी और भीमसेन बातें कर रहे थे वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन भैया क्या कहा? क्या कह रहे थे? अरे जाके ले मारन है तो पठाई, और बाकू पति बना रही है। अरे हिडंबी, मैंने तुझे किस काम के लिए भेजा था और तू क्या काम कर रही है? और ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे श्री भानु प्रताप नेताजी नगला जब बाबा ने दे रहे हैं, चरणों में सर रखते हुए आशीर्वाद की कामना। अरे जाके मारन है तो पठाई, और बाकू पति बना रही है, और मोकू धोखो देख आई तुए नेक शर्म नहीं आ रही है। चाचा श्री प्रत्याराम जी चारुआ खेरा वाले दे रहे हैं, चरणों में सर रखते हुए आशीर्वाद की कामना। अरे मोकू धोको देके आई, अरे मोकू धोको देके आई, हो पुतन कनाए लाई है, घनश्याम कहे पटलोनी के तेने ओढ़ी पे शरमाई है, ओढ़ी पे शरमाई है, ओढ़ी पे शरमाई है, ओढ़ी पे शरमाई है। आह सरदारो, कहा के जाके मारन हित पठाई, जाके मारन हित पठाई, बाकू पति बना रही है, अरे मोकू धोखो दे के आई तो नेक शरमनाई आ रही है। के इनके संग अंत अब तेरो, इनके संग अंत अब तेरो, और तू बात मान ले मेरी और चौपुत्ती सड़ गई तेरी। लेकिन भीमसेन ने इतने वचनों को सुना, रसिया जी क्या कह रहा है? क्या कह रहा बेटे? अरे कहलो और नार पे थे अभी तू, और ये पिटे धरी दे शरमी, और आकर ले मुंह से अरे चंग सो निकारू तेरी गर्मी।
बातें कर रही है, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो भीमसेन कह रहा है, अरे कहां दिखावे जो सुलगाए दूं। चार साहब, अरे कहां दिखावे जो सुलगाए दूं, और हो सकाने तेरे। भीमसेन ने कहा, एक नारी पर तू इतना बल दिखा रहा है, अरे कहां दिखावे जो सुलगाए दूं, और हो सकाने तेरे। जीवन में देखे नारी सो हाथ तेरे, और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे चाचा श्री शिव नारायण जी दे रहे हैं, और एक 51 रुपए का आशीर्वाद अभी हमारे चाचा जी दे करके गए। चरणों में सर रखते हुए आशीर्वाद की कामना। आहा कहा भीमसेन, तू एक नारी पर अपना जोर दिखा रहा है, के करके क्रोध हिडम्बा सुर, करके क्रोध हिडम्बा सुर। भीमा दे बोलो बानिए, भी निकाले देता हूं जितना तेरे अंदर। के खाए के मांस चूस लूं हड्डी, खाए के मांस चूस लूं हड्डी। जब भूख बुझेगी मेरी, और चौबुद्दी सड़ गई तेरी। आज हड़म्मा ने कहा, तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रसिया जी, वो हड़म्मा क्या कर रहा है? अरे और चलो सो रोशनी देखो छाई की, और अड़ गया देखो भीमसेन ते जाए के, अड़ गया देखो भीमसेन ते जाए के, अड़ गया देखो भीमसेन ते जाए के। आहा, आज हिडम्बा और भीम दोनों में युद्ध होने लगा। कहा ₹51 का आशीर्वाद श्री जगदीश बाबू जी दे रहे, चरणों में सर रखते हुए आशीर्वाद की कामना। कहा रसिया जी, अरे पहले तेरे प्राण हरूंगो, क्यों? हिडम्बा कह रहा है भीमसेन से, सबसे ज्यादा तू बोल रहा है, अरे पहले तेरे प्राण हरूंगो, पीछे लाई न तो, पीछे न तो अंत करूंगो, पीछे न तो अंत करूंगो, पीछे न तो अंत करूंगो, पहले तेरे प्राण हरूंगो, पीछे न तो अंत करूंगो, पहले तेरे प्राण हरूंगो, पीछे न तो अंत करूंगो, करूंगो। हिडम्बा ने सबसे पहले तू ज्यादा बोल रहा है, मैं तुझे ही सबसे पहले खत्म करूंगा। लेकिन रसिया जी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? अरे बार बार बोल कर रहे हो हिडम्बा, देखो था हो।
गोथम गोथा है रे दोनों रे, गोथम गोथा है रे दोनों रे, गोथम गोथा है रे दोनों रे, अरे गोथम गोथा है रे दोनों रे, गोथम गोथा है रे दोनों रे। ये क्या रुपये का आशीर्वाद श्री करता सिंह हवलदार जी दे रहे हैं, चरणों में सर रखते हुए आशीर्वाद की कामना। अरे गोथम गोथा है रे दोनों रे, गोथम गोथा है रे दोनों रे, अरे खड़ी का मैन पॉइंट होता है उड़ान। अरे क्रोध करो भीमा किला कार्यो, सुरु सुनी जगे भात चारो, जब कुंती में तारी अरे जगी जब कुंती में तारी, जगी जब कुंती में तारी रे, लेकिन मेरे सनारो क्या किसी को रहता तूफान का खटका और चोर को रहता अपनी जान का खटका, लेकिन मुझको तो है केवल अपने उस भगवान का, लेकिन कहा है दुनिया से और दुनिया से जब चलेगा, दुनिया नहीं बदलते दुनिया से जब चलेगा, दुनिया नहीं बदलते चलेगा दुनिया नहीं बदल के। ये एक कट्टु सत्य है कि हर एक इंसान को इस दुनिया से जाना पड़ता है, दुनिया से जब चलेगा दुनिया नहीं बदल के, वो दुनिया से वो चलेगा दुनिया नहीं बदल के, दुनिया से जब चलेगा पंडित जी, दुनिया से जब चलेगा चलेगा हो, दुनिया से जब चलेगा तू दुनिया नहीं बदल के, क्यों घरवाले घरवाले तेरे बन निकलेगा, हाय निकलेगा
खुलेगा। अब देखिए सुनी जिकड़ी, अब सुनेंगे एक गाना और किस तरीके से। तो दोस्तों एक गीत बजा, वैसे थोड़ा गले में परिवर्तन है क्योंकि 20-25 दिन हो गए, लेकिन कोशिश करूंगा पूरी। दिखाएंगे बेटे गायब होने वालों ने। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, दिल के पहरे लगा है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए पीस। अब ये कट पीस मेरा कैसा है, मैं चार आदमी गा रहा हूं कि आदमी के धड़ और पशु का सर, ऐसे चार आदमी गा रहा हूं। अगर कोई ताकत रखता है तो पांचवा लेकर के आना, तो कहना क्या है। खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। चाचा खोपड़ी से तू, चार साहब पॉइंट नोट करेंगे, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। किसी का है थड़, किसी का है थड़ पे किसी की खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। अब ये पहली खोपड़ी आ रही है, आदमी का धड़ है और पशु का सर है, ऐसा पहला आदमी आ रहा है। चार आदमी गाऊंगा ऐसे, शीस गणपत का थर से जब उड़ाया था, शीस गणपत का थर से जब उड़ाया था। चाचा ये पहली खोपड़ी आ रही है, शीस गणपत का, और ये क्या मरने का पुरस्कार हवलदार जी छत्तर सिंह जी दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अरे शीश गणपत का थर से जब उड़ाया था, एक हाथी के बच्चे का सर लगा, प्रताप सिंह नगला केहरी दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे।
शिशु कर पतका एक हाथी के बच्चे का सर लगाया था, खोपड़ी लाना सका वहां पे कोई खोपड़ी, खोपड़ी लाना सका जाने कहां खोपड़ी, खोपड़ी से खोपड़ी हाथी की। ऐसे चार जॉन्ट लगा रहा हूं मैं, दूसरी पार्टी कोई भी हो पांचवा जॉन्ट लेकर के आएगी और कहना अब दूसरा आदमी कौन है। ससुर ने बन असुर बेटी का हवन किया है, ससुर ने बन असुर बेटी का हवन किया है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे देवन सिंह राणा जी दे रहे, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ससुर ने बन असुर बेटी का हवन किया है, दक्ष का काट सिर वीर भद्र ने दिया है, दक्ष का काट सिर वीर भद्र जी ने दिया है। और एक 100 रुपए का पुरस्कार जगदीश नगला गैयरा निवासी दे रहे हैं। दक्ष का काट सिर वीर भद्र जी ने दिया है, लगाया थर पे सिर बकरे का सास रो पड़ी, लगाया थर पे सिर बकरे का सास रो पड़ी। तब कहना खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। पहली खोपड़ी गणेश जी के काट करके हाथी का शीश लगाया, दूसरी खोपड़ी राजा दक्ष गया जब यज्ञ हुआ तो वीरभद्र ने वह खोपड़ी को काट करके बकरे का सर लगाया। अब तीसरी खोपड़ी गा रहा हूं, बचाने वेदों को विष्णु ने रची माया है, बचाने वेदों को विष्णु ने रची माया है, कटा सिर विष्णु का तब घोड़े का लगा उसी दोनों में जंग हो पड़ी। क्यों? जो हैग्रीव नाम का राक्षस था वेदों को ले गया, लेकिन भगवान विष्णु से युद्ध हुआ तो उसको एक वरदान था, जो तेरे जैसा मारेगा मारने वाला तुझे। भगवान विष्णु का शीश कटा और घोड़े का लगाया, खोपड़ी एक उसी दोनों में जंग हो पड़ी। खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। चाचा तीन खोपड़ी गाई, खोपड़ी पशु की धड़ा आदमी का, और चौथी खोपड़ी शीश का कारावर ने शिव को जब चढ़ाया था, शीश का कारावर ने शिव को जब चढ़ाया था, उसी सिर की जगह गधे का सिर लगाया था, उसी सिर की जगह जब गधे का सिर लगाया था, निभा रसिया की शर्त जो पड़ी। अब जो शर्त है हमारी कोई भी निभाए, निभाते
रसिया की शर्त जो पड़ी खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी खोपड़ी से तू खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। राम राम साहब।